मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। और नेल पेंट वगैरह की बात आती है तो वो तो मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि कौन सी नेल पेंट लगाऊंगी मैं। मेहंदी तो लगाऊंगी ऑब्वियसली, घर की शादी है। ओके हाय गाइस, मैं हूं श्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रिया हुड। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमारे कोई फैमिली फंक्शन है, वेडिंग है, वेडिंग ओकेशन है, तो इसलिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वेडिंग ओकेजन स्पेशल गेटअप, मतलब कैसे मैं रेडी होंगी और क्या क्या मैं एसेसरीज पहनूंगी, कौन सी ड्रेस मैं पहनूंगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अमेजोन पे सेल चल रही है, जैसे कि टाइम टू टाइम चलती रहती है, सो विदाउट एनी डिले आप वो चेकआउट जरूर कर लेना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके सो फर्स्ट मैं आपको मेन चीज दिखा देती हूँ जो कि है लहंगा। तो हालांकि ये मेरी पर्सनल शॉपिंग है, मतलब पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो मैंने अमेजोन से लिया था, लेकिन तो इसलिए मैं आपको इन सब की लिंक्स दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैंने लिया तो अमेजोन से ही है ना। ओके सो लेट मी शो यू द लहंगा। सो ये लहंगा जो मैंने इस बार लिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब दूसरे लहंगे के कंपेरेटिवली। ये है इसका ब्लाउज पीस है, आप देख सकते हैं। ये स्लीव्स के साथ आता है, वैसे यहाँ पर है अंदर स्लीव्स, तो आप चाहे तो उसको स्टिच करवा सकते हैं एंड स्लीव्स के साथ पहन सकते हैं। मैं तो मोस्ट प्रोबेबली इसको शायद मतलब स्लीव लेस ही पहनूंगी, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ सो इसमें आप सामने देख सकते हैं, इसे गोल्डन कलर के डिजाइन बनी हुई है। सो ये जो है ना, ये ब्लाउज ये पैडेड है, इसमें कप्स दिए हुए हैं, तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा, मतलब गड़ेंगे नहीं इसके जो डिजाइन, ये मेन मेरे को रहता है कि गड़े ना, तो ये सही है। और बाकी ये पीछे से ऐसा है, प्लेन है बिल्कुल। सामने इसका बिल्कुल लंबा सा यू नेक देखने को आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल कोने कोने पर आएगा ये, शोल्डर टू शोल्डर ऐसे ये आपको मिलेगा। और ये है पर्पल कलर का एंड इस पे गोल्डन कलर के डिजाइंस बने हुए हैं। ओके जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर ये है इसका दुपट्टा, जिसपे साइड साइड में बिल्कुल एज एज में गोटा पट्टी का काम किया हुआ है, और ये है शिफॉन मटेरियल के अलावा। ये है मेन जो कि है लहंगा पूरा का पूरा। ओके सो ये आपको साइड में थ्रेड्स दिए हुए जैसे कि आप इसको बिल्कुल फिट कर सकते हो, तो मैं इसको बिल्कुल फिट करके पहन पाऊंगी अच्छे से, क्योंकि मेरा वेस्ट ना काफी ज्यादा छोटा है, पतला सा है। ओके सो इसको मैं अच्छे से फिट कर पाऊंगी इन थ्रेड्स की वजह से, जैसे कि दिया रहता है लहंगो में यूजुअली। और ये सामने आप देख सकते हैं कितना प्रिटी गोल्डन कलर का जो डिजाइन है वो दिया हुआ है पूरे पर्पल कलर में। तो सामने ये शिफॉन का मटेरियल है, और अंदर से इसमें और लेयरिंग है, जिसे हम बोल सकते हैं कैन भी अंदर लगा हुआ है। और ये हेम तरफ में ये बॉर्डर है, आप देख सकते हैं। सो पूरा पर्पल एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है, जो कि इसको बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। और इसमें काफी ज्यादा अंदर लेयर्स भी है, जिसको ये थोड़ा हैवी भी बनाता है लहंगे को। सो ये देखिए, आप अच्छे से देखिए, सही है ना। सो ये आप अपने साइज के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो बस मैंने इसे रैंडमली पिक कर लिया था, लूंगी तो लूंगी वरना नहीं। लेकिन जब मैंने मम्मी को दिखाया तो मम्मी इतनी ज्यादा खुश हो गई कि यार ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो यही ले लिया, तो यही पहनना शादी में। मैंने ठीक है पहनूंगी मैं, तो मेरा क्या है, अच्छा भी लग रहा है वैसे। ओके सो अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एसेसरीज एंड द प्रोडक्ट्स दैट आई विल चूज एंड दैट आई विल अप्लाई बिफोर गोइंग टू द वेडिंग। ओके सो फर्स्ट ये मैं आपको लिपस्टिक बताती हूँ, ये मामा अर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, इसको मैं खोल के बताती हूँ आपको। सो ये है वो लिपस्टिक जिसका मैं बताई थी, मैं न्यूट शेड में लिया है, न्यूट शेड ही मैं लगाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली ये जो लहंगा है ना, इसका कलर काफी सारा डार्क है ना, तो इसके ऊपर ऐसा न्यूट शेड अच्छा लगेगा जो डार्क कलर हो बट एट द सेम टाइम वो न्यूट शेड हो, आप समझ पा रहे हो ना, जिसका डार्क कलर हो बट एट द सेम टाइम वो चमकी ना हो, न्यूड हो। तो अगर इसकी जगह बाय चांस मैंने कोई और भी शेड लगाया तो मैं ग्लॉसी वाली लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, मैं मैट वाली लिपस्टिक चूज करूंगी न्यूड में, मतलब मैट वाली लिपस्टिक मैं चूज करूंगी, क्योंकि मैट वाली मैं वैसे भी ज्यादा प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ ग्लॉसी लिपस्टिक्स। ओके सो ये तो मैंने आपको शो कर दिया। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हैंड्स में मैं क्या पहनूंगी, ऑब्वियसली आप ब्रेसलेट वगैरह के बिना कितना अधूरा अधूरा लगेगा अगर हम ऐसे चले जाए तो शादी में, तो ऑब्वियसली राइट। सो मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या पहनूंगी ब्रेसलेट में। सो जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रेसलेट मैं आपको दिखाऊंगी, उसके साथ साथ चूड़ियाँ भी मैंने ऑर्डर करी बट आई हैवंट येट रिसीव्ड देम। ओके सो
अगर वो अच्छे लगते हैं तो मैं जरूर उनको पहनूंगी, वरना मेरे पास आई हैव अ प्लान बी. एक्चुअली प्लान बी वो है चूड़ियाँ, ये है प्लान ए जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जिनमें अलग अलग एडीज लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं. सो सारी एक्सेसरीज ना गोल्डन ही पहन रही हूँ मैं, जस्ट बिकॉज ये पर्पल कलर के लहंगे पे गोल्डन कलर का वर्क है. सो यूजुअली मैं ना गोल्डन की जगह सिल्वर ज्वेलरी पसंद करती हूँ, सिल्वर, क्योंकि वो बहुत शाइनी शाइनी अच्छा सा लुक देता है ना, वाइट कलर की सिल्वर कलर की ज्वेलरीज. बट गोल्डन कलर की इस बार पहन रही हूँ क्योंकि पर्पल लहंगे पर वैसा वर्क है, राइट. तो ये ब्रेसलेट है भी वैसे भी अच्छा काफ़ी ज़्यादा, इसको पहन लूँगी तो बिल्कुल अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा हैवी भी नहीं है तो ज़्यादा झंझट भी नहीं लगेगी, अरे यार क्या लटका लिया मैंने हाथ पर, ऐसा कुछ नहीं लगेगा मेरे को ऑब्वियसली. सो इस टाइप के ब्रेसलेट्स ना आप प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपको किसी ओकेजन में आप चाहते हो कि चूड़ियाँ भी नहीं पहनो, बट अगर आपके पास थोड़े सिंपल साइड पे हैं ब्रेसलेट्स तो आप ऐसे ब्रेसलेट्स को प्रेफर कर सकते हैं, मतलब कंसिडर कर सकते हैं आप लेना. ओके, लेट मी शो यू द नेकलेस दैट आई विल वेयर. एक तो ना मेरा पहले से ऐसा है कि मेरे को ना भारी भरकम नेकलेस अच्छे नहीं लगते, तो मैं थोड़े से हल्के फुल्के नेकलेस प्रेफर करती हूँ. और वैसे भी मैं कैजुअली भी जो पतली पतली जो चेन्स होती है ना, पेंडेंट्स वगैरह, पेजेंट्स वगैरह, वो पहनती हूँ मैं यूजुअली. सो शादी में जाने में भी मैं यही पहनूंगी, इस टाइप का नेकलेस जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. और ना ये मतलब उल्टा बता दिया था शायद मैंने, ये ना सिंपल भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं लगेगा कि अरे बाप रे इतना सारा ला दिया गले पर. तो इसमें एडीज लगे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, बीच में ये डायमंड जैसा लगा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लुक दे रहा है इसको ये. तो ये ऐसे चढ़ जाएगा गले पर, ये देख सकते हैं आप. सो ऐसे में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, राइट. और ये ना अगर वेट की बात की जाए तो ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है. अब मैं इसके साथ आपको इयररिंग्स जो आए हैं वो भी बता देती हूँ. सो ये इयररिंग्स का भी ऑब्वियसली सेम कलर है क्योंकि पेयर में आए हैं ये, जिसमें एडीज लगे हुए हैं. और अच्छी बात है कि ये पतले, मतलब पतले इयररिंग्स हैं, मतलब ये आसानी से हो जाएंगे ईयर्स में फिट, क्योंकि जो मोटे वाले इयररिंग्स होते हैं ना मेरे को पहनने में प्रॉब्लम होती है. सो इस टाइप के इयररिंग्स मैं प्रेफर करती हूँ यूजुअली, है ना. और इसमें एडीज लगे हुए जैसे कि आप देख सकते हैं, गोल्डन टच में है ये. शॉर्ट एंड स्वीट काइंड ऑफ इयररिंग्स हैं, मतलब ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, लेकिन पहनूंगी तो बहुत अच्छे भी लगेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें एडीज का वर्क है जो कि इसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता है. एंड क्वालिटी वाइज तो है ही अच्छे, क्योंकि मैंने जैसे कि पिछली बार आपको बताया था कि कुछ कुछ जो ब्रांड्स होते हैं ना एसेसरीज में, आपको बता रही हूँ जैसे कि ज़वेरी पर्ल्स एंड ये सब, उनकी एसेसरीज की क्वालिटी लाइक हमेशा ही अच्छी ही निकली है ना. ये मैं अपना पर्सनल वो बता रही हूँ प्रेफरेंस, कि मेरे को ये सब ब्रांड्स के एसेसरीज अच्छे लगते हैं, प्रेफर करती हूँ मैं. तो आपको बता देती हूँ फुटवेयर जो कि मैं पहनूंगी. सो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पर्पल कलर के लहंगे पे गोल्डन कलर का जो टच है, वर्क है, वो दिया हुआ है, वर्क है उसके ऊपर. तो इससे मिक्स एंड मैच करने के लिए मैं गोल्डन कलर के सैंडल्स पहनने वाली हूँ. ये एक्चुअली जूती हैं, एक तरीके से जूती हैं ये, है ना. सो कंफर्टेबल भी लगेंगी एंड एट द सेम टाइम ये ब्यूटीफुल भी लगेंगी क्योंकि गोल्डन कलर की हैं एंड ये थोड़ी बहुत शाइनी भी है. So that gives it a very beautiful look, pretty look. Sides से आप देख सकते हैं transparent है, तो उससे पैर का look अच्छा आएगा and अच्छे से fit भी हो रही हूँ मुझे. तो आप अच्छे से अपना size, shoe का size consider करके आप इनको ले सकते हैं. इनकी link भी मैं description box में आपको दे दूंगी. So पहले मैं सोच रही थी heels पहनूँ क्या, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लहंगा already बहुत बड़ा है और time तक पहनना पड़ेगा, ये दूसरा factor है. एंड तीसरा फैक्टर ये कि लहंगा भी बड़ा है, आपको दिख नहीं रहा है कि आप कहाँ चल रहे हो, कहाँ लहंगे पर पैर तो नहीं आ रहा. पता चला मैंने हील्स पहने और मैं चल रही हूँ और लहंगे पर मेरा पाँव रखा गया, मैं गिर गई, मतलब होना तो नहीं चाहिए ऐसा ऑब्वियसली. तो इन सब से बचने के लिए मैंने जूतियाँ कंसिडर किया पहनने के लिए, क्योंकि यूजुअली हील्स में थोड़े वेस्टर्न कपड़ों के साथ पहन लेती हूँ, है ना, ट्रेडिशनल कपड़ों के भी साथ. लेकिन ये लहंगा बहुत ज़्यादा लंबा है एक्चुअली, मेरी जो हाइट है ना उससे भी पैर तक तो आ रहा है और उससे भी थोड़ा सा लथड़ रहा है. हालांकि ऐसा मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ा सा लथड़े रहेगा नीचे, लेकिन ठीक है. फिर अब इसके साथ जूतियाँ पहननी पड़ेंगी, एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये जूतियाँ बहुत सुंदर हैं. सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट्स. और हाँ, अगर बात आती है कैसे मैं तैयार होंगी, मतलब कैसे काजल वगैरह भी मैं लगाऊंगी, तो वो सब तो शायद मैं
GRWM वाली गेट रेडी विद मी वाली हो सकता है एक वीडियो एक शॉर्ट अपलोड करूँ मैं, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा फर्दर अपडेट्स की मैं कैसे रेडी हो रही हूँ। और नेल पेंट वगैरह की बात आती है तो वो तो मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि कौन सी नेल पेंट लगाऊंगी मैं। मेहंदी तो लगाऊंगी ऑब्वियसली, घर की शादी है। ओके, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है सो लाइक जरूर कर दीजिए। प्लीज टर्न द सब्सक्राइब बटन फ्रॉम रेड टू ग्रे, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम दैट इज shriyahood_official। हैंडल नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी एंड वीडियो में भी। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।